लाई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सेहत से भरपूर रेसिपी। गर्मी के मौसम में ठंडा ठार सागू मैंगो डिज़र्ट अगर मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। रेसिपी बहुत ही आसान है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेने हैं 2 बड़े चम्मच साबूदाना के। इसको पानी में भिगो के आधे घंटे के लिए मैंने रख दिया था। उसके बाद थोड़े से पानी के अंदर इसको मैंने 10 मिनट के लिए पकाया है। 10 मिनट तक इसको पकाएंगे तो ये मुकम्मल ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, लेकिन हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ढक के रख देंगे तो उसके बाद ये अपनी हीट में मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से जब हो जाए तो इसको ढक के रख दें। तो इसको जब रखेंगे 10 मिनट तक तो ये देखिए, ये इस तरह से मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो हमने ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, 10 मिनट पकाएंगे, हाफ कुक हो जाएगा और बाकी का हाफ जो है ये जब कवर करके रख देंगे तो ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमने मैंगो प्यूरी तैयार करनी है। मैंगो क्यूब्स काट के ब्लेंडर में डालेंगे, ब्लेंड कर लेंगे और फिर इसको पैन में डाल के 1 कप चीनी के साथ थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर लेंगे और फिर इसको जिस तरीके से चाहे आप फ्रीज़ कर लें, आइस ट्रे में डाल के या वैसे किसी भी बर्तन में डाल के आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो जब आपका दिल करे आप किसी भी स्वीट में इस प्यूरी को शामिल कर सकते हैं। जब हम इसको फ्रीज़ करते हैं तो ये बहुत सख्त नहीं जमता, तो इसको निकालना आसान होता है। आप जिस बर्तन में चाहे आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंगो प्यूरी इसको प्याले में डालेंगे। आप चाहे तो इसमें मैंगो के छोटे छोटे चंक्स भी काट के डाल सकते हैं। साबूदाना जो है इसको छलनी के ज़रिए निकाला था मैंने, ताकि जो एक्स्ट्रा लिक्विड है वो इसमें से निकल जाए, वरना हमारा डिज़र्ट जो है वो बहुत पतला हो जाएगा। आखिर में इसमें ठंडा ठार दूध शामिल करेंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, आपका बहुत शुक्रिया। आज आपके लिए लेके आई हूँ मैंगो की ठंडी मीठी और बहुत ही लाइट सी स्वीट डिश, मैंगो फिन्नी। इसके लिए चाहिए हमें 1 किलो दूध। दूध में 2 बड़े चम्मच चीनी के शामिल करेंगे।
इतनी चीनी काफ़ी है क्योंकि बाद में मैंगो भी शामिल होगा, तो चीनी का इस्तेमाल शुरू में आपने कम रखना है। अगर आपको ज़रूरत हो और ज़्यादा मिठास पसंद हो तो फिर बाद में भी शामिल हो सकती है। इसमें जो चावल शामिल होंगे ये बासमती चावल हैं, 4 चम्मच शामिल होंगे। ये वाइट वाले चावल नहीं हैं, जो खीर वाले चावल होते हैं वो इस्तेमाल नहीं करने, आपने ख्याल रखना है क्योंकि इससे टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पैदा हो जाता है। चावलों को 2 चम्मच दूध डाल के ग्राइंड कर लेंगे। इसे बिल्कुल आटे की तरह बारीक नहीं करना बल्कि इस तरह से हल्का दानेदार रखना है। इसे भी दूध में शामिल करेंगे। चावल शामिल करने के बाद चम्मच मुसलसल चलाना है क्योंकि चावल बहुत जल्दी नीचे लग जाते हैं, तो इनके जलने से फिर जायका आपको पता है कि ख़राब हो जाएगा, इसलिए सुस्ती बिल्कुल नहीं करनी और मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। बहुत जल्दी दूध गाढ़ा हो जाएगा। 2 बड़े साइज़ के आम की इस तरह से प्यूरी बना लेनी है। तो बगैर दूध या पानी शामिल किए ब्लेंडर में डाल के प्यूरी बनानी है। ब्लेंडर ना हो तो चम्मच की मदद से भी अच्छी तरह से मैश किया जा सकता है। पिरनी गाढ़ी हो चुकी है, अब इसमें मैंगो की प्यूरी शामिल करेंगे। थोड़ी सी मैंगो प्यूरी बचा लेंगे जिसे हम एंड पे इस्तेमाल करेंगे। बची हुई प्यूरी को बाहर नहीं रखना, फ्रिज में रखना है ताकि ठंडी रहे। अच्छी तरह से मिक्स करके चूल्हा बंद कर देंगे। पिरनी को पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे, उसके बाद फ्रिज में रखेंगे, ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। इसके बाद प्यालों में डाल के ऊपर थोड़ी सी प्यूरी डालेंगे, बारीक कटा हुआ अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ता वगैरह जो भी घर में मौजूद हो गार्निश करेंगे। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मज़ेदार मैंगो फिरनी तैयार है, इंजॉय करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।